नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। सबसे पहले खबर के रुख करते हैं दुमका की ओर। नई पेंशन योजना के विरोध में मनाया काला दिवस। दुमका सहित पूरे राज्य के 2004 के बाद नियुक्त सभी विभागों के लगभग 2 लाख सरकारी कर्मचारियों ने NMOPS के बैनर तले मंगलवार को नई पेंशन योजना के विरोध में काला दिवस मनाया। इस दौरान संघ के प्रांतीय सचेतक काशीनाथ महतो ने कहा कि 1 दिसंबर 2004 को झारखंड में पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर नई पेंशन व्यवस्था को लागू किया गया है, जो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एक छलावा है। दुमका उपायुक्त का कहना है, शारीरिक दूरी का पालन व सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। कोविड-19 के संक्रमण के खतरों को भांपते हुए दुमका के उपायुक्त राजेश्वरी वी ने मंगलवार को जनता दरबार में गुहार लेकर पहुंचे लाभुकों से कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें किसी भी स्तर पर कोताही खतरनाक हो सकता है। जनता दरबार के दौरान भी मौके पर शारीरिक दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया था। कल एड्स दिवस था। एड्स दिवस के मौके पर एक बैठक आहूत की गई, जिसमें बताया गया कि जागरूकता से एड्स पर पाया जा सकता है काबू। विश्व एड्स दिवस पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। वहीं विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं व शैक्षणिक संस्थाओं की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर NSS व निफा के सदस्यों ने नगर थाना प्रभारी को प्रतीक चिन्ह लगाया। निफा सचिव जितेंद्र झा ने कहा कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, जागरूकता की कमी के होने के कारण लोगों को इससे डरते हैं। खबर अब गोड्डा से है। सरकार के खिलाफ था मामला, गोड्डा के SP ने बिना जांच वापस कर दी फाइल। लोकायुक्त के आदेश के बावजूद गोड्डा के SP ने सौरात बंदोबस्ती को लेकर हुई मारपीट से संबंधित फाइल बगैर जांच के वापस कर दी है। यह मामला सरकार के खिलाफ था। गोड्डा के SP ने इस मामले में तर्क दिया कि मामला साहिबगंज का है, फिर वे इसकी जांच कैसे कर सकते हैं। इससे इतर लोकायुक्त ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर इस मामले की जांच का आदेश गोड्डा के SP को दिया है, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। इधर लॉकडाउन में बच्चों को भी भा रहा है ज्ञानोदय रथ की पढ़ाई। गोड्डा जिले में लॉकडाउन को लेकर लंबे समय से स्कूल बंद है। 6 माह से ज्यादा समय तक कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन में इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन की कमी की वजह से ग्रामीण इलाकों के छात्र छात्राएं ऑनलाइन क्लास से भी वंचित है। इसकी भरपाई के लिए गोड्डा जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। ज्ञानोदय रथ के माध्यम से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई अनवरत जारी रखी गई है। जिले भर में नई पेंशन योजना का हो रहा है विरोध। सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू करने की तिथि के विरोध में जिले भर के कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया और काला दिवस मनाया। 1 दिसंबर 2004 को पुरानी पेंशन समाप्त करने की तिथि थी। इसकी याद में मंगलवार को राज्य सरकार के सभी विभागों के लगभग 2 लाख कर्मचारी शामिल थे। खबर देवघर से। उपायुक्त ने देवघर बार एसोसिएशन के सदस्यों से की औपचारिक मुलाकात। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भतंजी ने कल एसोसिएशन के सभी सदस्यों से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान कोरोना संक्रमण व वर्तमान में देवघर जिला अंतर्गत वकीलों को मिलने वाली सुविधा व व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त श्री मंजूनाथ भतंजी ने बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि आपके द्वारा बताए गए समस्याओं का समाधान भी करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। कल देवघर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, अपराध पर अंकुश लगाने में सरकार विफल रही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा करने पहुंचे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी शामिल थे। रघुवर दास सोमवार को निजी कार्यक्रम के एक विवाह में शामिल होने के बाद देवघर पहुंचे थे। मंगलवार सुबह बाबा बैद्यनाथ की पूजा की, पूजा अर्चना कर विश्व शांति के लिए बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना की। देवघर के बुढ़ई में इस बार नहीं लगेगा मेला, सिर्फ पूजा होगी। प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी पिबल्यूस वारला ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप एवं राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश इस बार बुढ़ई मेला का आयोजन नहीं होगा। आयोजन की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ सीमित पूजा अर्चना की अनुमति होगी। सिर्फ
किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। दुकान, झूला आदि कोई भी आयोजन नहीं होगा। परंपरा के अनुरूप सीमित संख्या में लोग आकर केवल पूजा अर्चना कर सकते हैं। खबर अब पाकुड़ से। लिट्टी पड़ाव वासियों को शीघ्र मिलेगा शुद्ध पेयजल। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री सह पाकुड़ विधायक आलमगीर आलम मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित डाक बंगला पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने स्थानीय ग्रामीण व कार्यकर्ताओं की समस्याओं से अवगत हुए समस्या का निराकरण करने का निर्देश दिया। मंत्री ने लिट्टी पड़ाव वासियों को शीघ्र पेयजल मिलने का आश्वासन दिया। संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने से एड्स नहीं होता है। विश्व एड्स दिवस पर मंगलवार को पाकुड़ सदर अस्पताल के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके पूर्व एड्स से बचाव के लिए रंगोली, गीत, संगीत व चित्रकला के माध्यम से लोगों को एड्स के लिए जागरूक किया गया और बताया गया कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से एड्स नहीं होता है। खबर जामताड़ा से। जामताड़ा में जामुमो और सरना समितियों ने निकाला विजय जुलूस। सरना आदिवासी धर्म कोड बिल पारित होने और केंद्र को इसका प्रस्ताव भेजे जाने पर जामुमो और सरना समितियों ने मंगलवार को संयुक्त रूप से विजय जुलूस निकाला। दुमका रोड स्थित जामुमो कार्यालय से प्रारंभ हुई जुलूस का नेतृत्व जामुमो जिलाध्यक्ष श्यामलाल हेमराम और सरना संगठन ने नेता संजय पाहन ने किया। जहर देकर विवाहिता की हत्या, पति गिरफ्तार। खबर जामताड़ा के करमाटार थाना क्षेत्र से सियाटार गांव में रात दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या जहर खिलाकर कर दी गई। गांव निवासी टेकलाल मंडल की पत्नी 25 वर्षीय ललिता देवी की हत्या हुई है। विवाहिता के भाई के आवेदन पर पति समेत उनके स्वजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी पति टेकलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे अन्य स्वजन फरार हैं। थाना को हत्या की जानकारी मिलने पर प्रशिक्षु आईपीएस सह थाना प्रभारी अरविंद सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। हादसे में वृद्ध की मौत के बाद मुआवजे के लिए गिरिडीह जामताड़ा रोड को किया गया जाम। जामताड़ा मुख्य सड़क पर मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के कुसमाहा मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में गांडे थाना क्षेत्र के हडमाडी निवासी सोनोलाल मरानी की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने मंगलवार को गिरिडीह जामताड़ा मुख्य सड़क को कुसमाहा के समीप जाम कर दिया। घटना की सूचना पर विभागीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक के परिजनों को मुआवजे का आश्वासन देकर सड़क जाम को हटाया गया। संथाल परगना में हर घर जल पहुंचाने की है बड़ी चुनौती। जल जीवन मिशन से करीब 13 लाख परिवारों तक पहुंचेगा पानी। संथाल परगना की बड़ी आबादी अब भी शुद्ध पेयजल को तरस रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां आज के दिन में 30.96% परिवारों घरों तक शुद्ध जल नल के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, वहीं झारखंड के संथाल परगना के पाकुड़ व जामताड़ा जैसे जिले ऐसे भी है जहां ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले महज 1.58% और 2.18% घरों तक ही नल जल पहुंच पा रहा है। साहिबगंज जैसे जिले में जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। वहां भी 60% से कम परिवारों तक ही नल से जल पहुंच रहा है, जबकि झारखंड राज्य का औसत आज तकरीबन 10.20% के करीब है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।